मैं एक विधवा थी और गांव से मेरे पति के दोस्त का बेटा शहर पढ़ने के लिए आया था। वो मेरे बच्चों को भी पढ़ा देता था। वो मुझे बहुत अच्छा लगने लगा था, लेकिन वो मुझसे बहुत शर्माता था। अजीब बात तो ये थी कि वो रात को जल्दी ही अपना कमरा बंद कर देता था और कमरे में पता नहीं क्या करता रहता था। एक दिन मैं उसके कमरे में छिप गई। ये देखकर तो मेरे पैरों से जमीन निकल गई कि वो तो गंदी वीडियो अपने लैपटॉप में चलाकर अश्लील हरकतें कर रहा था। मुझे ये देखा नहीं गया और जैसे ही मैं उसके सामने आई तो उसने मुझे मेरी वो वीडियो वायरल करने की धमकी देते हुए मुझसे कहा कि तुम मेरी इच्छा पूरी करो, नहीं तो मैं तुम्हें बदनाम कर दूंगा। फिर उसने मुझे बेड पे धक्का दे दिया और फिर मेरे साथ। मेरा नाम युविका है और मैं 27 साल की हूँ। मेरे पति के अचानक मृत्यु ने हमारी जिंदगी को वीरान करके रख दिया था। मेरी दोनों बेटियां जो चिड़ियों की तरह चहचहाती थी, वो बिल्कुल खामोश रहने लगी थी। अपने पापा की जुदाई ने उन्हें तूर के रख दिया था। बहुत ही कम उम्र में उन्होंने अपने पापा को खो दिया था और शायद उनके पापा की जगह उनकी जिंदगी में कोई भी नहीं ले सकता। वक्त किसी के लिए नहीं रुकता है, ये रेत की तरह आखिर हाथों से फिसल ही जाता है। मेरी बेटियां भी वक्त के साथ साथ इस सदमे में निकल गई थी, लेकिन हमारी जिंदगी पहले जैसी नहीं रही। घड़ी की सुइयों की टिक टिक पे हम अपना काम करते जा रहे थे। ऐसा लगता था जैसे किसी ने हमारी जिंदगी के सारे रंग मिटा दिए हो। फिर मेरे पति के दोस्त का बेटा प्रिंस शहर पढ़ने के लिए आया। उसके आने से मेरे सूने घर में मानो जैसे रौनक ही आ गई। मेरी बेटियां दोबारा चहकने लग गई। प्रिंस ने मेरी बेटियों को दोबारा जीना सिखा दिया था, लेकिन प्रिंस मुझसे बहुत ज्यादा शर्माता था। मेरे बच्चे तो उसकी जल्दी ही बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। मैं अपनी बेटियों की दोबारा मुस्कुराहट देखकर जैसे दोबारा से जी उठी थी। मैं बहुत ही कम उम्र में विधवा हो गई थी। मेरी शादी को 11 साल ही गुजरे थे कि एक कार हादसे में मेरे पति की मौत हो जाती है और मुझे वो इस दुनिया में अकेला छोड़कर भगवान के पास हमेशा हमेशा के लिए चले जाते हैं। मेरी दो बेटियां थी। हमारी जिंदगी की उम्र बहुत छोटी साबित हुई और जल्दी ही दुख तकलीफ ने मेरी जिंदगी में दस्तक दे दी। मेरे पति के जाने के बाद जैसे हमारी जिंदगी बदल ही गई थी। अपने पति की इस तरह मर जाने से मैं तो पूरी तरह टूट गई थी, लेकिन मुझे अपनी बेटियों के लिए जिंदा रहना था। विधवा होने के बाद मैंने फैसला कर लिया था कि मैं अब दूसरी शादी नहीं करूंगी और अपनी बच्चियों के सर पे सौतेले बाप का साया नहीं पड़ने दूंगी। मैं अपनी बेटियों को लेकर बहुत ही गंभीर थी और मैं किसी भी पर भरोसा नहीं कर सकती थी। इसीलिए मैंने एक स्कूल में जॉब करनी शुरू कर दी। सुबह मैं अपने बच्चों को स्कूल भेज देती और खुद भी स्कूल चली जाती थी और वापसी में मैं उन्हें अपने साथ ही घर लेकर आती थी। मैंने जिंदगी में इतना बड़ा नुकसान उठाया था कि मेरा दिल मजबूत हो गया था। अब मैं अकेले ही जिंदगी गुजार सकती थी। ऐसे में जब प्रिंस हमारी जिंदगी में आया तो जैसे जिंदगी में नए रंग भर गए हो। प्रिंस मेरे लिए बिल्कुल मेरे बच्चे जैसा ही था। वो कॉलेज की पढ़ाई के लिए शहर आया था और मैंने उसको कहा कि वो मेरी बेटियों को भी पढ़ा दिया करे ताकि मुझे भी कुछ वक्त आराम मिल जाए। प्रिंस बहुत ही नेक और संस्कारी बच्चा था। कभी भी वो मेरे सामने नजर तक ना उठाता था, बल्कि हमेशा सर झुकाकर बात करता था। और मुझे इस बात की बहुत खुशी महसूस होती थी कि मेरे पति के दोस्त ने उसकी बहुत अच्छी परवरिश की है। प्रिंस दरअसल मेरे पति का दोस्त का बेटा था। वो दोनों कॉलेज में फ्रेंड थे। प्रिंस ने मेरी दोनों बेटियों को पढ़ाना शुरू कर दिया और जब से प्रिंस दोनों को पढ़ाने लगा था, वो दोनों पढ़ाई में भी बहुत अच्छी हो गई थी। उनके सभी टेस्ट में बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे थे।
वरना अपने पापा के मरने के बाद तो उन दोनों की पढ़ाई बिल्कुल ही खराब हो गई थी। स्कूल से भी अक्सर उन दोनों की कंप्लेन आने लगी थी। प्रिंस ने आते ही उन दोनों की पढ़ाई को बहुत अच्छे से संभाल लिया था। वो हर शाम दोनों को पढ़ाते पढ़ाते ही अपनी पढ़ाई भी पूरी कर लेता था और मैं भी उसके करीब बैठकर अपने स्कूल का काम कर लेती थी। मेरे और बच्चों के साथ ही प्रिंस भी कॉलेज के लिए निकल जाता था और वो हमारे आने के बाद ही वापस घर लौटता था। प्रिंस के आने तक मैं खाना तैयार कर लेती थी, लेकिन वो हमेशा अपने कमरे में बैठकर अकेला खाना खाता था। उसे बहुत ही ज्यादा शर्म महसूस होती थी और मैंने उसके साथ कभी इस बात की जबरदस्ती नहीं की थी कि वो मेरे साथ ही खाना खाए। वो भी प्रिंस की तरह मेरी छोटी छोटी बातों का ख्याल रखता था। हमारी लव मैरिज हुई थी। मेरे पति भी प्रिंस की तरह शहर पढ़ने आए थे और कॉलेज में ही हम दोनों की दोस्ती हुई थी। लेकिन उस वक्त मेरे पति का यहाँ कोई रिश्तेदार नहीं था, इसीलिए मेरे पति हॉस्टल में रहते थे। 4 साल तक मैं और मेरे पति एक दूसरे की मोहब्बत के रिश्ते में बंधे रहे और जैसे ही पढ़ाई पूरी हुई तो मेरे पति ने अपने घर वालों से मेरे बारे में बात की और सब कुछ राजी खुशी से संपन्न हो गया। मेरे घर वाले तो पहले ही उसको जानते थे क्योंकि मैं ज्यादातर उसी की बातें अपने घर वालों से किया करती थी। इसीलिए जब उसके घर वाले रिश्ता लेकर आए तो मेरे पापा ने तुरंत हाँ कर दी। जिस दिन मैं उसकी दुल्हन बनी, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मेरी जिंदगी पूरी हो गई हो। उसका साथ मेरी जिंदगी का सबसे हसीन पल था। अपना घर छोड़कर मैं उसके घर चली आई और उसके बाद मैंने कभी पीछे पलटकर नहीं देखा, बल्कि आने वाले हर पल को मैंने अपने पति के साथ बहुत ही खूबसूरत बनाया। शादी के 9 सालों में ऊपर वालों ने हमें 2 प्यारी बेटियां दी थी। मेरे पति ने शादी से पहले शहर में जॉब करना शुरू कर दिया था और हमने शहर में ही अपना घर बना लिया था, इसीलिए मुझे कभी गांव जाना नहीं पड़ा। मेरे पति की कॉलेज फ्रेंड वर्षा कभी कभी हमसे मिलने आ जाती थी और प्रिंस वर्षा का ही बेटा था। मेरी शादी के वक्त तो प्रिंस की उम्र 10 से 12 साल के करीब थी, लेकिन अब वो एक 21 साल का खूबसूरत नौजवान बन गया था। शादी के बाद मैं और मेरे पति एक दो बार गांव आए थे, लेकिन मुझे गांव की जिंदगी बहुत ही मुश्किल लगती थी, इसीलिए हम दोबारा कभी गांव नहीं आए। जिंदगी बहुत ही अच्छी गुजर रही थी, हमें किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। बेटियों की पैदाइश के बाद मेरे पति ने अपनी जॉब में भी तरक्की हासिल कर ली थी, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। एक ऐसी ही सुबह मेरे पति मुस्कुराते हुए जॉब के लिए घर से निकलते हैं और फिर लौटकर कभी वापस नहीं आते हैं। थोड़ी देर में मुझे खबर मिलती है कि मेरे पति का एक कार एक्सीडेंट हो गया है। ये खबर मेरे लिए किसी कयामत से कम नहीं थी। मैं फौरन अस्पताल के लिए दौड़ पड़ी और गांव में भी फोन कर दिया, लेकिन शायद मेरे पति भगवान से इतनी ही उम्र लिखवा कर आए थे, इसीलिए वो आने वाले कुछ घंटों में मेरा साथ छोड़कर भगवान के पास चले गए। आज भी मुझे जब उनकी याद आती है तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मेरी आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं। वर्षा ने मुझे बताया था कि प्रिंस एक बहुत ही सीधा सादा और शर्मिला लड़का है और बहुत जल्द किसी से घुलता मिलता नहीं है। मैंने खुद भी देख लिया था कि उसे हमारे घर आए 1 महीना हो गया था, लेकिन उसने अभी तक मुझसे ठीक तरह से बात भी नहीं की थी, बल्कि जैसे ही मैं उससे कोई बात करती थी तो वो शर्म से सर झुका लेता था और रात को जल्दी अपने कमरे में जाकर कमरे के दरवाजे को बंद कर लेता था, जबकि मैं और मेरी बेटियां
हॉल में बैठकर रात को एक साथ ही टीवी देखा करती थी, लेकिन वो कभी भी हमारे साथ नहीं बैठता था। मेरी दोनों बेटियों की भी प्रिंस से बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी और वो दोनों कॉलेज से आने के बाद सारा दिन उसके साथ ही खेलती रहती थी। मेरी छोटी बेटी तो हर वक्त उसके कंधों पे चढ़कर बैठी रहती थी और प्रिंस भी उससे बहुत ही ज्यादा प्यार करता था और रोज उसके लिए चॉकलेट लेकर आता था। मैंने कई बार प्रिंस को मना भी किया था, लेकिन अगले दिन फिर वो चॉकलेट ले ही आता था। पिछले कुछ दिनों से मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही थी और मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन मैंने अपनी तबीयत के बारे में किसी से भी कुछ भी नहीं कहा। मैं किसी को भी परेशान नहीं करना चाहती थी और ना ही मैं स्कूल से छुट्टी करना चाहती थी, इसीलिए मैं किसी तरह खुद को दुख पहुंचाकर काम काज करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ मेरी तबीयत और भी ज्यादा खराब होती जा रही थी। जब रात के वक्त मेरी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब महसूस होने लगी तो मैं अपने कमरे से बाहर निकल आई। मुझे अपना दम घुटता हुआ महसूस हो रहा था, इसीलिए मैं छत पे चली गई और प्रिंस छत पे एक कोने में बने कमरे में रहता था। मैं छत पर बैठ गई। मेरी नजर प्रिंस के दरवाजे की तरफ गई। आज मुझे ना जाने क्यों इस बात का एहसास हो रहा था कि हर रोज रात होते ही प्रिंस जल्दी ही अपने कमरे में क्यों चला जाता है और फिर सुबह वापस निकलता है, जबकि उसके कमरे में तो टीवी भी नहीं था, तो इतनी जल्दी अपने कमरे में क्यों बंद हो जाता है। आजकल शहर के कॉलेज का माहौल कुछ ठीक भी नहीं चल रहा था और लड़कों को नशा करने की लत भी लगती जा रही थी, इसीलिए मुझे अचानक ही प्रिंस की फिक्र सताने लगी कि 20 साल का प्रिंस सीधा सादा लड़का था जो गांव के सीधे सादे माहौल में पला पड़ा है। मेरे दिल में बार बार यही ख्याल आ रहा था कि कहीं ना कहीं शहर का माहौल उसे बर्बाद ना कर दे। प्रिंस जब तक इस शहर में था वो मेरी जिम्मेदारी पे था, क्योंकि वर्षा ने मेरे भरोसा करके उसे मेरे घर भेजा था। अगर प्रिंस किसी गलत संगत में पड़ जाता तो वर्षा को मैं क्या मुंह दिखाती। प्रिंस को हमारे घर आए 1 महीना हो गया था, लेकिन अभी तक हम दोनों के बीच में कोई दोस्ती नहीं हुई थी और ना ही ऐसी कोई बात हुई थी कि मैं डायरेक्ट प्रिंस से कोई सवाल जवाब कर पाती, और ऊपर से प्रिंस मुझे देखते ही शर्म से सर झुका लेता था। मैं उसे भला कैसे पूछती कि रात को जल्दी वो क्यों अपने कमरे में चला जाता है और जाकर दरवाजा बंद करके क्या करता रहता है। मैंने अब सोच लिया था कि जैसे ही मैं ठीक होती हूँ मैं खुद ही इस बात का पता लगाती हूँ कि आखिरकार प्रिंस इतनी जल्दी कमरे में जाकर दरवाजा क्यों बंद कर लेता है। 2-4 दिन तो मेरी बीमारी में ही गुजर गई और जैसे ही मैंने खुद को थोड़ा बेहतर महसूस किया तो मुझे फिर से प्रिंस का ख्याल आया। और एक रात जब मेरी बेटियां टीवी देखने में बिजी थी, प्रिंस किचन में अपने लिए चाय बना रहा था। मेरे पास ये सबसे अच्छा मौका था प्रिंस का रात रात जानने के लिए, तो मैं चुपके से उसके कमरे में जाकर छुप गई। मुझे पता था कि मेरी बेटियां अगले 1 घंटे तक टीवी के आगे से उठेगी नहीं। मुझे प्रिंस के कमरे में छुपे हुए थोड़ी ही देर गुजरी थी कि प्रिंस चाय का कप लिए अपने कमरे में चला आया और कमरे का दरवाजा बंद करके सुकून से बिस्तर पे बैठ गया। प्रिंस को कमरे में देखकर मेरी दिल की धड़कनें बहुत जोर जोर से बढ़ने लगी। कुछ देर बाद प्रिंस आराम से बेड पे लेटकर चाय की चुस्कियां लेने लगा।
प्रिंस को देखकर मैं दिल ही दिल में सोचने लगी कि बगैर बात के ही मैं इतने सीधे साधे लड़के पे शक कर रही हूँ। अगर प्रिंस को नशे या किसी और चीज की लत लगती तो ऐसे कैसे होता कि मुझे पता ना चलता। मानती हूँ कि प्रिंस मुझसे शर्माता जरूर था, लेकिन मेरी आंखों के सामने ही तो रहता था। मैंने सोचा कि रात को जैसे ही प्रिंस इधर से उधर होगा या वॉशरूम जाएगा, मैं चुपके से उसके कमरे से वापस निकल जाऊंगी, क्योंकि अगर उसको ये पता चला कि मैं उसकी जासूसी कर रही हूँ या उस पे नजर रख रही हूँ, तो ना जाने मेरे बारे में प्रिंस क्या सोचने लग जाएगा। मुझे छुपी हुई कुछ ही देर गुजरी थी कि प्रिंस उठकर अपनी चाय का कप खाली साइड टेबल पे रखा और फिर वो अपना लैपटॉप लेकर सुकून से बैठ गया। उसका मुंह कुछ इस तरह था कि मुझे उसका लैपटॉप नजर आ रहा था, जबकि उसकी पीठ मेरी तरफ थी। मैंने दिल ही दिल में खुद को गलत समझा और सोचने लगी, शायद प्रिंस रात को इस तरह की पढ़ाई करने में बिजी रहता है, इसीलिए वो जल्दी ही कमरे में आकर बंद हो जाता है। और मैंने ऐसे ही उसकी जासूसी शुरू कर दी। प्रिंस लैपटॉप खोलकर उसमें एक वीडियो लगा लेता है। प्रिंस के लैपटॉप में उस चलते हुए वीडियो को देखकर तो मेरे पैरों से जमीन ही निकल गई, क्योंकि वो वीडियो किसी और की नहीं बल्कि मेरी ही थी। और अपनी ऐसी वीडियो देखकर मैं शर्म से पानी पानी हो गई। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं जिस लड़के को सीधा साधा मासूम सा समझ रही थी, वो ये सब कुछ भी कर सकता था। लैपटॉप की स्क्रीन पे मेरी वीडियो अभी भी चल रही थी, जिसमें मैं बाथरूम में बिना कपड़ों के नहा रही थी। प्रिंस मुझे बिना कपड़ों के देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रहा था और बहुत ही तासीर के साथ मेरी वीडियो को देख रहा था और बार बार स्क्रीन स्क्रीन पे मेरे बदन को किस कर रहा था। मेरी वीडियो को देखकर वो अश्लील हरकतें कर रहा था, मेरे बदन पे हाथ लगा रहा था जैसे मुझे छूने की कोशिश कर रहा हो। मुझे ऐसा लगा जैसे प्रिंस वो सब मेरे साथ ही कर रहा हो, मुझसे रहा नहीं गया। और मैं ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मैं अपनी जगह से निकलकर एकदम से प्रिंस के सामने आ गई। वो सोच भी नहीं सकता था कि मैं रात के इस समय अपने बच्चों के साथ नहीं बल्कि उसके कमरे में मैं छिपी हुई हो सकती हूँ। मुझे अपनी नजरों के सामने खड़ा देखकर उसने फौरन लैपटॉप बंद कर दिया और हकलाते हुए कहने लगा, आंटी जी, आप यहाँ यहाँ क्या कर रही हो? मैंने एक जोरदार का थप्पड़ प्रिंस के गाल पे दे मारा। मुझे प्रिंस पे बहुत जोरदार का गुस्सा आ रहा था। आखिर उसने मुझे उस हालत में देखा था जिस हालत में मेरे पति देखा करते थे। मैंने प्रिंस पे गुस्सा करते हुए प्रिंस से कहा, मैंने अपनी वीडियो देख ली है और मैं जान गई हूँ कि तुमने चोरी छुपे मेरी वीडियो बनाई है। मेरी बात सुनकर प्रिंस ने अपना सर झुका लिया और कोई जवाब ना दिया। मैंने प्रिंस की गिरबान पकड़ ली और प्रिंस को धमकाते हुए कहने लगी, मैं जानना चाहती हूँ कि तुमने आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों किया, जबकि मैंने तो तुम्हें अपने घर में रहने के लिए जगह दी है। मैंने तुम्हें अपनी औलाद की तरह माना है। मेरे पति भी प्रिंस तुमसे बहुत मोहब्बत करते थे, लेकिन तुमने तो मेरे भरोसे को चूर चूर करके रख दिया। प्रिंस खामोश खरा खरा मेरी बातें सुन रहा था। मैंने दोबारा प्रिंस से कहा, बोलो, मुझे बताओ, आखिर तुमने कब और किस तरह मेरी वीडियो बनाई है? मुझे ये सब जानना है कि आखिर क्यों तुमने मेरे साथ इतनी घिनौनी हरकत की है। जब मैंने गुस्से से प्रिंस से दोबारा यही सवाल किया तो वो मुस्कुराने लग गया और मुस्कुराता हुआ,
मुझसे कहने लगा, मुझे आप बहुत अच्छी लगती हो, मैं आपको दिल ही दिल में बहुत चाहता हूँ और आपसे प्यार करता हूँ। मैं आपको पाना चाहता था, लेकिन मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मैं डरता था अगर मैंने आपसे अपनी मोहब्बत का इजहार किया तो कहीं आप मुझे धक्के मार के घर से ना निकाल दें और मम्मी को ना बता दें। मैं आपके प्यार में इतना पागल हो गया था जिस कारण मुझे अपने जज्बातों पे काबू ना कर सका। इसीलिए मैंने अपने दिल की बात अपने एक दोस्त के साथ शेयर की। मेरे दोस्त ने मुझे आपके वॉशरूम में खुफिया कैमरे लगाने का आइडिया दिया था और मैं रोज रात को आपका वीडियो देखकर थोड़ा बहुत सुकून हासिल कर लिया करता था। प्रिंस के मुंह से ये सब बातें सुनकर मैं तो हक्का बक्का रह गई। मैं लड़खड़ाती हुई जबान से प्रिंस से दोबारा पूछी, ये बताओ तुमने कब और कैसे मेरे वॉशरूम में कैमरा लगाया? तुम तो कॉलेज से हमारे आने के बाद ही आया करते थे। एक दिन मैं कॉलेज से जल्दी छुट्टी लेकर आ गया, उस वक्त आप घर पे नहीं थी, तो मैंने मौका देखकर आपके वॉशरूम में एक खुफिया कैमरा लगा दिया से आपकी वीडियो रिकॉर्ड करके रोज रात को देखा करता था और थोड़ा बहुत सुकून हासिल कर लिया करता था। प्रिंस मेरे सामने बड़ी आसानी से अपने गुनाह कबूल कर रहा था। मैं उसकी हिम्मत पे हैरान थी। मैंने बहुत ही दुख से उससे पूछा कि तुम्हें ऐसा करते हुए बिल्कुल भी शर्म नहीं आई? तुम भूल गए हो कि मैं तुम्हारी आंटी हूँ, तुम मेरे लिए मेरे बेटे की तरह हो। मेरी बात सुनकर प्रिंस हंसते हुए कहने लगा, आप किसी गलतफहमी में जी रही हो, आपके पति की मृत्यु हो चुकी है और अब आप मेरी आंटी नहीं हो। अगर अंकल जिंदा होते तो बात कुछ और ही थी। अब आप और मैं एक दूसरे के लिए गैर है। जब मैं शहर आया था, जब से आप मेरी आंखों के सामने रहती थी और मेरे जज्बातों का इम्तिहान लेती रहती थी, मेरे लिए खुद को रोक पाना बहुत मुश्किल था। मैंने आपको सर से पांव तक देख लिया था और अब आपको पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और आप मेरी कोई आंटी वांटी नहीं है, आप मेरे लिए एक खूबसूरत औरत हो जिसके आगे पीछे कोई नहीं है। आप एक ऐसी औरत हो जिसकी खूबसूरती की मैं कायल हो चुका हूँ। प्रिंस की ये बात सुनकर जैसे ही मैंने उसके गाल पे एक तमाचा लगाने लगी, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और तिलमिलाते हुए कहने लगा, मैंने आपको कभी भी आंटी की नजर से बिल्कुल भी नहीं देखा और अब आपको पाने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। मैंने प्रिंस से कहा, चुपचाप अपने लैपटॉप से मेरी सारी वीडियो डिलीट करो और अभी के अभी मेरे घर से निकल जाओ। प्रिंस ने हंसते हुए कहा, इतनी आसानी से मैं आपको छोड़ने वाला नहीं हूँ। चुपचाप जैसा मैं कहता हूँ मेरी बात मान लो, वरना मैं आपके सारे वीडियो इंटरनेट पे डाल दूंगा और आपको बदनाम करके रख दूंगा। इस शहर में आपको मैं मशहूर करके रख दूंगा। प्रिंस से अपनी वो सारी गंदी वीडियो डिलीट करवाने के लिए रिक्वेस्ट कर रही थी, लेकिन प्रिंस नहीं मान रहा था और उसने मेरे सामने एक ऐसी शर्त रखी जिसे सुनकर मुझे पसीने आ गए। प्रिंस मुझसे बेशर्म होकर कहता है, अंकल को मरे हुए बहुत दिन हो गए हैं और आपको भी तो किसी मर्द की जरूरत महसूस होती होगी। मैं आपकी वो सारी जरूरतें पूरा करूंगा और बदले में मैं आपका इतना ख्याल रखूंगा जितना ख्याल आपके पति रखा करते थे। प्रिंस के मुंह से ये सब बातें सुनकर लज्जा के मारे में पानी पानी हो गई। तभी प्रिंस ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे बेड पे धकेल दिया और एक-एक करके मेरे शरीर से सारे कपड़े उतारने लगा। मैं उसके सामने आज इतनी मजबूर हो गई थी कि मैं चाहकर भी कुछ ना कर सकती थी। जी तो मेरा ऐसा कर रहा था कि प्रिंस को यहीं पे मार दूं और खुद फांसी पे चढ़ जाऊं,
हूँ, लेकिन मेरे पीछे मेरी दो मासूम बेटियां थी। मेरे मर जाने के बाद मेरी बेटियों का क्या होता, यही सोचकर मैं खामोश हो गई। प्रिंस मुझ पे भूखे भेड़िए की तरह टूट पड़ा और मुझे नोचने लगा। प्रिंस आज सारी मर्यादाओं तोड़कर अपनी वासना को पूरी करने लगा और मैं बेबस लाचार असहाय होकर उसके सारे जुल्मों सितम सहती रही। काफी देर बाद उसने मुझे छोड़ते हुए कहा, आज के बाद चुपचाप मेरी बात मान लिया करो और जब भी मैं तुम्हें बुलाऊं चुपचाप मेरे कमरे में आ जाया करो और मुझे खुश कर दिया करो। तुम्हारी वीडियो मैंने सेव करके रखी है, भूलना मत, तुम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं बचोगी। अगर मैंने तुम्हारी वीडियो वायरल कर दी तो प्रिंस के आगे मैं खुद को लाचार, बेबस और असहाय समझ रही थी। प्रिंस जब भी चाहता, जब मेरी इज्जत को रौंदने लग जाता, मेरे साथ जबरदस्ती करने लग जाता और मुझे बदहवास करके छोड़ देता। मैं चाहकर भी किसी को कुछ नहीं बता सकती थी। वर्षा को भी ये बात बताने की मेरी हिम्मत ना हुई। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और मैं सब कुछ सहती गई। अब मैं प्रिंस से परेशान हो गई थी और मैं कैसे भी करके उससे अपना पीछा छुड़ाना चाहती थी। प्रिंस के बार बार मेरे साथ जबरदस्ती करने के कारण मैं खुद की नजरों में ही गिर गई थी। अगर कल को प्रिंस और मेरे संबंधों के बारे में मेरी बेटियों को पता चलेगा तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगी? मैं उनकी नजरों में भी गिर जाऊंगी। और अगर इंसान दुनिया की नजर में गिर जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर खुद की औलाद की नजरों में गिर जाए तो वो औलाद उसकी कभी भी इज्जत नहीं करती और कभी भी वो माँ बाप अपनी औलाद की नजरों में नहीं उठ सकते। मैं अपनी औलाद की नजरों में नहीं गिरना चाहती थी, इसीलिए मैंने फैसला कर लिया कि प्रिंस के बारे में मैं पुलिस को सब कुछ सच सच बता दूंगी। जो होगा देखा जाएगा। मैंने हिम्मत कर ली थी प्रिंस से पीछा छुड़ाने की। मैंने प्रिंस के खिलाफ पुलिस में कंप्लेन कर दी और पुलिस वाले से मैंने रिक्वेस्ट की कि इस बारे में पता मेरी बेटियों को ना चले, वरना मैं उनकी नजरों में गिर जाऊंगी। पुलिस वालों ने मेरा साथ दिया और प्रिंस के लैपटॉप से मेरे सारे वीडियो पुलिस वालों ने डिलीट करवा दिए तथा उसे जेल में डाल दिया। अगर मैं उस वक्त हिम्मत कर जाती तो प्रिंस इतने दिनों तक मेरे साथ बदसलूकी नहीं करता, वो इतने दिनों तक मेरे साथ अपनी मनमर्जी नहीं करता। पर मैं उस वक्त डर गई थी। उसने मुझे अपनी वीडियो वायरल करने की धमकी जो दी थी। आज की कहानी आपको कैसी लगी? इस कहानी के बारे में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में घंटी को दबाकर ऑल पे कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।